इमली, इमली निकल जाओ यहाँ से। जो छोड़ हमरे पति को। इमली तुम जाओ यहाँ से। ए लड़के, मैं तेरे पति को मार दूंगा। इमली तुम जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। मार दूंगा इसको। कोशिश करके देख ले। जाओ प्रेम, वरना मैं तेरे पति का खोपड़ा उड़ा दूंगा। जय सीता मैया की। ये कुछ नहीं करेगा हमें। मार दूंगा इसे। अरे इसे मारना होता तो अब तक मार चुका होता। ये कुछ नहीं करेगा। गोली चलाओ। बंदूक चार। गोली चलाओ इमली। इमली डरो मत, गोली चलाओ। इसके बाद मत सुनो। मार दूंगा इसे। सिर्फ हमारी बात सुनो तुम। ये नहीं मारेगा, ये अब तक मार चुका होता। अगर मारो मैं मार दूंगा। चुप पत्रकार। तू गोली चला बिटिया, तू डर मत। मैं मार दूंगा इसे। हम कह रहे हैं ना, मैं बोल रहा, मैं मार दूंगा। तू हमारी बेटी है, चला गोली। इमली गोली चलाओ, ये कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ चुप हो जा। अरे डरपो क्या, ये मार दूंगा मैं इसे। तुम सिर्फ हमारी बात सुनो, निशाना लो। तुझे पगडंडिया की कसम है बिटिया। चुप पत्रकार, चुप चुप। मैं मार दूंगा। चुप मैं मार दूंगा। इमली डरो मत, इसकी बातों में बताओ। ये नहीं मारेगा हमें। इमली गोली चला दो। पत्रकार मैं मार दूंगा इसे। तुझे सीता मैया की कसम, चला गोली।
होम मिनिस्टर के ऑफिस से फोन है। उठाओ ना जल्दी, देखो क्या बोल रहे। हेलो जी, बात कर रही हूँ। मिस्टर आदित्य त्रिपाठी का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। कैसे है वो? यस मैम, उन्हें बचा लिया गया है। उन्हें थोड़ी चोट आई है पर वो बिल्कुल ठीक है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? क्या हुआ? पुलिस ने आदित्य को सेफली बचा लिया। भगवान का लाख लाख शुक्र। माननीय, ये ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम होम मिनिस्टर के ऑफिस तक नहीं पहुंचती तो कभी मेरे आदि के केस पर ध्यान नहीं जाता, वो कभी बच नहीं पाता। सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं माननीय, अपर्णा बिल्कुल सही कह रही है। अगर हम उस इमली के भरोसे रहते तो पता नहीं क्या होता। मैं मॉम को बता के आती हूँ। मालिनी, बेटा क्या हुआ? मॉम, आदित्य सेफ है, पुलिस ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया है। थैंक गॉड, तुम्हारे एफर्ट्स और मेहनत रंग ले ही आई। आई होप अब उन त्रिपाठीज को भी रियलाइज हो ही गया होगा कि अगर तुम नहीं होती तो उनका बेटा कभी घर वापस नहीं आता। इतनी अच्छी न्यूज़ है मॉम, कभी तो कुछ पॉजिटिव कहिए। उन सब ने मुझे बार बार थैंक यू कहा है, लेकिन ये सब मैंने उनकी थैंक यू सुनने के लिए नहीं किया था। ठीक है, सब हो गया ना बेटा, अब घर वापस आ जाओ। मॉम, मैं उन्हें एक बार देख लूँ, तसल्ली कर लूँ, फिर आती हूँ। मॉम, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। मेरी बेटी उन मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या क्या नहीं करती, पर वहाँ किसी को मालिनी के एफर्ट्स दिखाई नहीं देते। जब तक मालिनी उस घर में थी तब तक वो लोग सिर्फ इमली के ही गुणगान करते रहते, लेकिन अब मालिनी को मैं वो इम्पोर्टेंस दिलाऊंगी जो उसे मिलनी चाहिए। सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि मालिनी ने आदित्य को बचाने के लिए क्या क्या किया। घर वापस आके कैसा लगा? आपके साथ गुंडों का कैसा बर्ताव किया? बताते हैं आप सबको। मिस्टर आदित्य, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? देखिए, आप सब लोग यहाँ पर आए, हमारे लिए इतनी परेशानी उठाई, के लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। हमारे घर वापस लौटने में पुलिस और सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने इतनी मेहनत की इसलिए हम यहां पर अपने घर तक पहुंच पाए, लेकिन उनके साथ साथ एक ऐसा इंसान है जिसके हम सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं। वो इंसान जिसने हमारे घर वापस लौटने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं छोड़ी, वो इंसान जो हमारे रिश्ते में आई हर परेशानी, हर मुश्किल से ऐसे लड़ता रहा जैसे रास्ते में खड़ा कोई चट्टान हो, वो इंसान जिसके लिए रास्ता भी हम थे और मंजिल भी हम थे, वो इंसान जिसके होने से ही हम हैं। हमारी पत्नी इमली त्रिपाठी,
आज हम आप लोगों के सामने खड़े हैं, अपने परिवार के सामने खड़े हैं, तो सिर्फ इसकी वजह से। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, सच के लिए लड़ती रही। इसने सिर्फ हमारा नाम नहीं, सच का नाम बुलंद रखा, जिसकी वजह से हम उन आतंकवादियों के यहां से बच के निकल आए। What rubbish! यह आदमी कुछ भी बोल रहा है। तुम्हारे सर पर बहुत गहरी चोट लगी है क्या, जो ऐसी बातें कर रहे हो तुम? आज अगर तुम इस घर में वापस आ पाए हो तो सिर्फ मालिनी की वजह से। मालिनी ने मिनिस्ट्री तक जाके तुम्हारे लिए मिन्नतें की, तभी तुम्हें पुलिस यहां पर ला पाई है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। दरअसल डिपार्टमेंट को तो हाई कमांड से पहले ही ऑर्डर आ चुके थे, आनंद भाई जेल से रिहा नहीं हो सकते। आनंद देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी था। सच कहूं तो डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करने के बाद भी जुगनू को पकड़ नहीं पाता, लेकिन ऐन वक्त पर इसने ना सिर्फ अपने पति को बचाया बल्कि जुगनू को पकड़ने में हमारी मदद भी की। इस लड़की की वजह से हमारा मिशन कामयाब हुआ। मैंने पूरी लाइफ में ऐसी बहादुर लड़की आज तक नहीं देखी। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, इसने अपनी जान की परवाह नहीं की। ये आदित्य कुमार त्रिपाठी के सामने जाकर खड़ी हो गई। इमली जी, आपको खतरों से लड़ जाना किसने सिखाया है? हमरे दद्दा ने। हमरे दद्दा बचपन से हमका सिखाए कि अगर कोनो मुश्किल में आए तो चुपचाप नहीं बैठे के जाए। अगर पहले से गोलियां चल रहे थे तो आपका दिमाग गोली से तेज चले के जाए, तभी हम खुद को बचा पाएंगे। और जब खुद को बचा पाएंगे तब अपनों को बचा पाएंगे।